दोस्तों फाइनली सभी है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप देख रहे हो वो वहाँ पे BSF की महिलाएं दो एक साथ में ड्यूटी करती है। दोस्तों फाइनली इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की सीमा पर हम आ गए हैं और आपको यहाँ पर वॉच टावर से अब हमको यहाँ का पूरा बॉर्डर की सीमा बताएंगे और यह है गाड़ी की पार्किंग और ये लोग सभी है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये लोग हैं भारत पाकिस्तान की सीमा का देखने के लिए, बॉर्डर देखने के लिए आए हैं। और भाई आप कहाँ कहाँ से आए थोड़ा बताओ विस्तार से। भादरिया। अच्छा भादरिया जैसलमेर से आए हैं। टेंपल सुना है ना? ओके ओके राइट नाउ। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर की वॉच टाइम से। जी सर, राम गोपाल ट्रेवलर, राम गोपाल ट्रेवलर अपना यूट्यूब चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर देना। अब मेरे अभी मेरे 20 फॉलोवर एक साथ में बढ़ गए, थैंक यू। लो जी दोस्तों, थैंक यू फॉर विजिट। बाहर जाते हैं तो अब ये ऐसा भी लिखा हुआ आता है और यहाँ पर लोग हैं यहाँ देखने के लिए आ गए। और ये चिल्ड्रंस बच्चों के लिए स्पेशली है जो खेलने के लिए यहाँ से अलग जो एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। और अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पर थोड़ा कैमरा हेलो नहीं, इसलिए इसे यहाँ पर मैं थोड़ा कैमरे को रोक देता हूँ। ये आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हो ये है परेड ग्राउंड और ये वॉच टावर है उस साइड। और यहाँ पर परेड ग्राउंड, यहाँ पे परेड होती है, लोग बैठते हैं जैसा कि 26 जनवरी 15 अगस्त और अपने और भी जो कोई दिन आता है तो उस टाइम यहाँ पर लोग है वो एक साथ में इकट्ठे होते हैं और सैल्यूट मारते हैं। ये है वॉच टावर और यहाँ पर चढ़ने के लिए ऊपर 20 से ज़्यादा लोग हैं जो एक साथ में नहीं चढ़ पाते हैं, इसलिए आप कभी भी जाओ तो थोड़ा संख्या को ध्यान में रख के जाना चाहिए। और मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर हम आ गए हैं और अभी एक दो और फ्लोर है ऊपर, तो चलते हैं ऊपर। लो भाई मैं वॉच टावर के सबसे ऊपर फ्लोर पे आ गया और अभी यहाँ पर सर्दी की जो है हवा अब स्टार्ट हो गई है, बहुत सर्दी है अब इस वक्त यहाँ की। और मैं आपको बॉर्डर की सीमा दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो वो वहाँ पे BSF की महिलाएं दो एक साथ में ड्यूटी करती है और वो आप देख रहे हो वो भारत पाकिस्तान का जो इमरजेंसी में यहाँ कोई त्यौहार होता है तब वो गेट खुलता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए उस साइड से वो गेट है और उस साइड जो वाइट पोल दिख रहा है वो पोल है अपने इंडिया का, भारत का जो 0 पॉइंट पोल आप कह सकते हो। इस साइड पे भारत का नाम और उस साइड पाक का नाम लिखा हुआ है। जैसा कि आप बॉर्डर देख रहे हो, ये आपको मैं बॉर्डर की सीमा दिखा दूँ और उसके पास में अपना एक रास्ता होता है जहाँ पर BSF गश्त करती है। और यहाँ पर ये है परेड ग्राउंड और वहाँ पर आर्मी जो हमारे डिपार्टमेंट के होते हैं वो यहाँ का इतिहास बताते हैं। जैसा कि आप देखते हो भारत पाकिस्तान में जो इमरजेंसी कोई बैठक होती है तो वो बैठक उस साइड होती है, वो भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो दोस्तों आप देख सकते हो उस साइड, यहाँ पर इमरजेंसी और आपातकालीन मीटिंग यहाँ पर ली जाती है। और जैसा कि आप वो देख रहे हो वो पाकिस्तान का ऑफिस है उस साइड, वो देख रहे हो। और ये जो डीले आपको दिखाई दे रहे हैं ये है पाकिस्तान के और ये है अपने इंडिया और भारत की सीमा। तो यहाँ पर जो लोग हैं बाहर से घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर इस वॉच टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आके और एक आनंद के साथ में सेल्फी खींचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये लोग यहाँ पर बहुत आनंद के साथ में आते हैं, लेकिन क्या करें अभी सर्दी को देखते हुए लोग फटाफट फोटो खींचते ही नीचे भाग जाते हैं। तो ऐसे में मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आओ तो थोड़ा पहन कर आओ और थोड़ा तैयार होके आओ। तो यहाँ से मैं आपको बॉर्डर सब कुछ दिखा दिया है और वो पाकिस्तान का जीरो, वो वहाँ से वॉच टावर है और वहाँ से वो अपनी तैयारी के साथ में उस साइड से भी खड़े रहते हैं। बात करें अपने इंडियन आर्मी की तो अपने भारत के जाबाज सिपाही BSF वो अपनी ड्यूटी के लिए तैनात रहती है अपने ड्यूटी के लिए। और उसके साथ साथ में BSF महिलाएं भी हाथ से हाथ यानी कि कंधा से कंधा मिलाकर ड्यूटी में तैयार रहती है। ऐसे में हमें इंडिया से प्राउड फील होता है कि हमारे भारत में बहुत कुछ आगे बढ़ने का और मौका भी हमको मिलता है।
वास्तव में दोस्तों काबिले तारीफ है। यहाँ पर आके मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मैन अपना वॉच टावर है और यहाँ से लोग हैं जो सेल्फी खींचा के और उसके बाद में यहाँ पर पूरा का पूरा बोल्डर विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से बोल्डर कैसा दिखता है और वो पाकिस्तानी टीले वो कैसे दिखते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ से ये है अपने भारत पाकिस्तान सीमा बोल्डर और वो वाइट वो लगा हुआ है। वहाँ से उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया है। पहले लोग वहाँ पर भी जाते थे, उस दीवार के भी हाथ लगाते थे, लेकिन उसके बाद क्या है कि थोड़ी सेफ्टी पर्पस के हिसाब से अब लोग है यहाँ तक उनको है परमिशन मिलती है। तो दोस्तों मैंने आपको वॉच टावर से भारत पाकिस्तान की जीरो बॉर्डर की सीमा दिखाई, जो कि अपने तनोराय माता जी के मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी में है। और उसके बाद में हम वापस लोंगेवाला जाएंगे और वहाँ पर युद्ध अभ्यास के दौरान क्या क्या हुआ था 1971 के अंदर वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब यहाँ से अब नीचे वाले हम फ्लोर पे आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और व्हाट्सएप के जरिए आप इसको है जो शेयर करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लो जी दोस्तों, हमने फोटो भी शूट करवा दिया है और बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए और अभी हम चलते हैं लोंगे वाला, तो प्लीज आप बढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिए बढ़े रहिए।